दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली और रोहित शर्मा को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप में पहले अमेरिका फिर भारत से मिली पाकिस्तान को शर्मनाक हार के बाद गुस्से से आग बबूला हुई टेनिस स्टार सानिया मिर्जा। फिर पाक के खिलाड़ियों को जमकर खरी खोटी सुनाते हुए सानिया ने भारत को लेकर कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिर भारतीय टीम ने कैसे पाकिस्तान को रौंदा, पाकिस्तान की हार के बाद क्यों गुस्से से लाल पीली हुई सानिया मिर्जा, ऐसा क्या अपने ही खिलाड़ियों को फटकार लगाते हुए कह दिया कि उनका बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। सानिया का वो भड़काऊ बयान तो हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है भारतीय टीम इस बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत पाएगी या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों जिस मुकाबले का T20 वर्ल्ड कप में करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को बेसब्री से इंतजार था, आखिर वो घड़ी न्यूयॉर्क के मैदान पर आ ही गई थी। भारत के कप्तान रोहित शर्मा और बाबर आजम टॉस के लिए मैदान पर उतरे। बाबर ने टॉस जीतकर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया। कहीं ना कहीं बाबर का यह फैसला उनके पक्ष में रहा, क्योंकि पाकिस्तान की खूंखार गेंदबाजी लाइनअप के आगे भारत के एक भी बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं सके। कप्तान रोहित से लेकर विराट कोहली, यहां तक कि सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे के साथ साथ हार्दिक पांड्या भी कुछ नहीं कर पाए, लेकिन टीम को संभालते हुए ऋषभ पंत ने 42 रनों का योगदान दिया। लेकिन पूरी टीम 119 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान टीम की शुरुआत भी कुछ खास नहीं रही। बाबर भी अपनी टीम के लिए 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन एक तरफ से मोहम्मद रिजवान मैदान पर टिके हुए थे। उन्होंने उस्मान खान के साथ मिलकर भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू की, पूरी कोशिश की, लेकिन भारतीय गेंदबाज अपनी चतुर गेंदबाजी और रफ्तार से पाकिस्तान के बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और देखते ही देखते भारतीय टीम इस मुकाबले को बड़ी आसानी से अपने नाम कर इतिहास रच गई और लगातार T20 वर्ल्ड कप में दूसरी जीत अपने नाम कर ली। और इसी के साथ भारतीय टीम अपने ग्रुप में पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर आ गई। जहां भारत की जीत का जश्न मनाया जा रहा था, सभी खिलाड़ी खुशी से झूम रहे थे, तो वहीं पाकिस्तान के खेमे में मातम फैला हुआ था। सभी खिलाड़ी स्टेडियम में ही पूछ पूछ कर रो रहे थे। और वहीं टीम की हार देखकर टेनिस स्टार खिलाड़ी सानिया मिर्जा बौखला गई और फिर हार का पूरा जिम्मेदार अपने ही खिलाड़ियों को बताते हुए ऐसा भड़काऊ बयान दिया जिसे सुनकर तो पूरे क्रिकेट जगत हैरान हो गया। वहीं भारत के लिए कुछ ऐसा कह दिया कि हर कोई इनका मुरीद बन गया। तो चलिए अब हम आपको सानिया का वो भड़काऊ बयान सुनाते हैं जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। टीम की हार के बाद गुस्से से आग बबूला होकर सानिया मिर्जा ने बयान देते हुए कहा कि मैं टीम की हार से बेहद निराश हूं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया कि अचानक भारतीय गेंदबाज कैसे हमारी टीम पर हावी हो गए और हमें ऑल आउट कर दिया। हम पहले ओवर से ही भारतीय टीम पर हावी थे और जीत की तरफ बढ़ रहे थे। हमारे बल्लेबाजों ने मैच को गंवाया। हार का पूरा जिम्मेदार बल्लेबाज है, उन्हें टिककर मैदान पर खेलना चाहिए था, लेकिन वो जल्दबाजी में अपना विकेट खो बैठे। अब तो हमारा वर्ल्ड कप जीतने का सपना भी अधूरा रह गया। हमने सोचा था इस बार ट्रॉफी लेकर जाएंगे, लेकिन हमें पहले अमेरिका और फिर भारत से शर्मनाक हार मिली। मैं इस हार को कभी नहीं भूल सकती। मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही हूं। वैसे भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन दिखाया, उन्हें जीत की बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से अपनी टीम की हार पर गुस्से से आग बबूला हुए परेशान सानिया मिर्जा। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है भारतीय टीम इस बार T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत पाएगी या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों इंडिया पाकिस्तान की अंतिम जंग गेंद और बल्ले के बीच घमासान में लिखा गया है नया इतिहास। रोंगटे खड़े कर देने वाले मैच में पहले घुटनों पर आया भारत का सितारों से सजा बल्लेबाजी क्रम, तो केवल 120 रन डिफेंड करते हुए भी भारतीय गेंदबाजों ने अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से मचाया ऐसा तहलका, पाकिस्तान के खेमे में मचाए है हाहाकार। आखिर इस करो या मरो के मैच में कैसे जसप्रीत बुमराह ने कराई इंडिया के मैच में वापसी, कैसे भारतीय गेंदबाजों ने पलट कर रख दिया मैच का पूरा रुख, कैसे पूरा क्रिकेट जगत हुआ दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर, उसकी पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है भारतीय टीम इस बार T20 वर्ल्ड कप जीत पाएगी या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों जिस मुकाबले का करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को बेसब्री से इंतजार था, आखिरकार वह घड़ी आ गई। कप्तान रोहित शर्मा बाबर आजम टॉस के लिए मैदान में उतरे, तो बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया तो खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर कप्तान रोहित शर्मा के साथ टीम इंडिया के किंग यानी विराट कोहली आए। वहीं पाकिस्तान की तरफ से पहला ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी। उनके ओवर की
पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने शानदार शॉट लगाकर 2 रन बटोरकर टीम को अपना और खाता खोला। रोहित शर्मा इनके बाद रुके नहीं और शाहीन अफरीदी की तीसरी गेंद को उन्होंने अपना सिग्नेचर शॉट खेलते हुए शानदार छक्का जड़ दिया। लेकिन उसके बाद शाहीन अफरीदी ने शानदार गेंदबाजी कर भारतीय टीम ने पहले ही ओवर में 8 रन बटोर लिए, लेकिन तब तक बीच मैच में बारिश ने खलबनल डाल दिया और मैच आधे घंटे बाद शुरू हुआ। पाकिस्तान की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए नसीम शाह। इनका स्वागत पहली गेंद पर विराट कोहली ने शानदार चौका लगाकर किया, लेकिन नसीम शाह ने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर विराट कोहली को पवेलिंग का रास्ता दिखाकर उस चौके का बदला ले लिया और भारतीय टीम को पहला झटका केवल 12 रनों के स्कोर पर लग गया। विराट कोहली टीम के लिए 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन रोहित शर्मा मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब ऋषभ पंत आ चुके थे। नसीम शाह की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा ने शानदार चौका जड़ दिया और भारतीय टीम का स्कोर 2 ओवरों में 19 रन तक पहुंच गया। पाकिस्तान की तरफ से तीसरा ओवर लेकर एक बार फिर से शाहीन अफरीदी भारतीय बल्लेबाजों को परेशान करने की कोशिश कर रहे थे और अपने ओवर की 4थी गेंद पर शाहीन अफरीदी ने कप्तान रोहित शर्मा को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, अपनी टीम को दूसरी सफलता दिला दी और भारत को 19 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया। रोहित शर्मा टीम के लिए 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन एक तरफ से ऋषभ पंत मैदान में टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज अक्षर पटेल आ चुके थे। भारतीय टीम का स्कोर 3 ओवर में केवल 20 रन 2 विकेट पर बन पाया। पाकिस्तान की तरफ से 4था ओवर लेकर आए उनके खूंखार गेंदबाज मोहम्मद आमिर खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। भारतीय बल्लेबाजों का रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था और इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर केवल 4 रन बटोरे। टीम के स्कोर 4 ओवर में 24 रनों तक पहुंच गया तो पाकिस्तान की तरफ से 5वां ओवर लेकर एक बार फिर से शाहीन अफरीदी और इनका स्वागत इस ओवर में अक्षर पटेल ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। फिर उसके बाद ओवर की दूसरी गेंद को उन्होंने छक्के में तब्दील कर दिया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू किया। भारतीय टीम के स्कोर को 5 ओवर में 38 रन तक पहुंचाया और पाकिस्तान की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर एक बार फिर से उनके सबसे खतरनाक गेंदबाज मोहम्मद आमिर और उनका स्वागत ऋषभ पंत ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया और भारतीय टीम की पारी धीरे धीरे संभालती हुई नजर आने लगी। वहीं ओवर की दूसरी गेंद पर ऋषभ पंत को एक बड़ा जीवनदार मिल गया और फील्डर ने कैच छोड़ दिया, जिसके कारण इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 3 रन बटोर लिए। वहीं आमिर की 5वीं गेंद पर ऋषभ पंत ने एक और शानदार चौका जड़ दिया और भारतीय टीम के स्कोर को 50 रनों तक पहुंचा दिया। भारतीय टीम का स्कोर पावर प्ले के 6 ओवर में 2 विकेटों पर 50 रन तक पहुंच गया। पावर प्ले के बाद 7 ओवर लेकर के आए पाकिस्तान की तरफ से स्पिन गेंदबाज इफ्तिकार अहमद बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे और भारतीय बल्लेबाजों को अपने जाल में फंसा कर रखा हुआ था, लेकिन तभी इफ्तिकार अहमद की अंतिम गेंद पर अक्षर पटेल ने शानदार चौका लगाकर टीम के स्कोर को 7 ओवर में 57 रनों तक पहुंचाया। पाकिस्तान की तरफ से 8वां ओवर लेकर एक बार फिर से नसीम शाह और आते ही उन्होंने अपने ओवर की 4थी गेंद पर अक्षर पटेल को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, अपनी टीम को तीसरी सफलता दिला दी और भारत को 98 के स्कोर पर तीसरा झटका लग गया। अक्षर पटेल टीम के लिए 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गया और टीम इंडिया एक बार फिर लड़खड़ाती नजर आने लगी, लेकिन ऋषभ पंत मैदान पर टिके हुए थे और उनका साथ देने के लिए अब T20 के नंबर 1 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी और आते ही सूर्य ने शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और 8 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर 62 रनों तक 3 विकेट पर पहुंच गया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम की पारी को संभाल कर भारत का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू हो गया। 10 ओवर में इंडिया का स्कोर 81 रनों तक पहुंच गया और ये दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी पाकिस्तान की तरफ से 12वां ओवर लेकर आया हरीश राउत ने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव को पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय टीम की कमर तोड़ दी और सूर्य कुमार यादव टीम के लिए केवल 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम को 89 रनों के स्कोर पर 4था झटका लग गया, लेकिन ऋषभ पंत अभी भी टिके हुए थे मैदान पर। उनका साथ देने के लिए आए शिवम दुबे, लेकिन यह भी कुछ खास नहीं कर पाए और केवल 3 रन बनाकर नसीम शाह के शिकार हो गए। भारतीय टीम को 5वां झटका लग गया और ऋषभ पंत का साथ देने के लिए मैदान पर हार्दिक पांड्या आ चुके थे, लेकिन तब तक खुद ऋषभ पंत उनका साथ छोड़कर पवेलियन लौट गए।